जी राखी बिरला जी, बहुत संक्षेप में राखी जी, 5 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे अति गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से परेशान है। पूरे विश्व में सैकड़ों लोग, लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आए, बहुत सारे लोग ठीक हुए और आज भी कई लोग इससे जूझ रहे हैं। मुझसे पहले तमाम वक्ताओं ने, तमाम सदस्यों ने बहुत उदाहरण सहित, आंकड़ों सहित अपनी बातों को रखा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी सरकार के किए हुए काम गिनवाए। आम आदमी पार्टी के द्वारा कोरोना महामारी में किस प्रकार से कदम आगे बढ़ाते हुए मानवता के हित में, जनहित में काम किए गए, सिर्फ उस पर प्रकाश डाला। ये लोग भूल गए कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और देश के अन्य राज्यों में भी भाजपा की सरकार है। काम उन्होंने भी किए हैं, काम उन्होंने भी किए हैं और ऐसे काम किए हैं जो ना किसी ने किए और ना कोई भविष्य में कर सकता। वो काम उन्होंने किस प्रकार से किए, एक और दिल्ली में चुनी हुई अरविंद केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में एक आधी अधूरी शक्तियों के साथ चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री अपनी जान की परवाह किए बिना ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, अस्पताल दर अस्पताल विजिट करते हैं, स्थिति को नियंत्रित करने में, स्थिति को सुधारने में दिन रात मेहनत करते हैं। दूसरी ओर केंद्र में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वो भी काम करते हैं, 18-18 घंटे वो काम करते हैं और 18-18 घंटे काम करने का नतीजा ये होता है कि वो सिर्फ मोर नचाते हैं और मोर को दाना डालते हैं। काम वो भी करते हैं, 18 घंटे काम कर आज देश की जीडीपी को -23% पर पहुंचा दिया। और काम दिल्ली की सरकार भी करती है, जिसने न सिर्फ अस्पताल दस अस्पताल घूमकर व्यवस्था सुधारी, स्थिति सुधारी, कंट्रोल किया कोरोना को, बल्कि लॉकडाउन के समय में प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा गरीब लोगों को दो वक्त की रोटी मुहैया कराई। और वहीं भाजपा शासित प्रदेशों ने काम किया, जहां एक और केजरीवाल सरकार दो वक्त की रोटी, दो वक्त के खाने का इंतजाम कर रही थी मजदूरों का, गरीबों का, किराएदारों का, प्रवासी लोगों का, वहीं भाजपा शासित राज्यों के अंदर राशन घोटाले चल रहे थे। एक और दिल्ली की सरकार काम कर रही थी, एक और भाजपा की सरकार काम कर रही थी। जहां केजरीवाल सरकार ने मिलकर, केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने मिलकर प्रवासी मजदूरों को, अपने घर से दूर रहने वाले लोगों को उनके घरों पर भेजने का प्रबंध किया, उनके लिए यातायात का जो है बंदोबस्त किया, वहीं पर हमारी भाजपा की केंद्र की सरकारें बैठकर रेल को और हवाई अड्डों को अडानी और अंबानी को बेचने का काम कर रही थी। काम दिल्ली की सरकार भी कर रही थी और काम केंद्र की सरकार भी कर रही थी। इसी प्रकार से केजरीवाल सरकार जहां गरीब मजदूरों का, चावल का, दाल का, आटे का जो कनस्तर उनका खाली हो गया था रोजगार जाने की वजह से, सैलरी ना मिलने की वजह से, जहां केजरीवाल सरकार राशन कार्ड धारकों को, गैर राशन कार्ड धारकों को राशन देने का काम कर रही थी, केजरीवाल मुख्यमंत्री किट देने का काम कर रही थी, वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम रिलीफ फंड के अंदर करोड़ों अरबों का फंड लेकर अपने भाजपा के बड़े बड़े कार्यालय बनाने का काम कर रहे थे। ये काम कर रहे थे अपने हित में और केजरीवाल सरकार काम कर रही थी जनहित में। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार जब किसी को कोविड हो जाता है, वो ऐसी संक्रमण की बीमारी है कि एक से दूसरे व्यक्ति में कब फैलती है पता ही नहीं चलता। इसके लिए क्वारंटीन सेंटर होने चाहिए, होम आइसोलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो एक कमरे के मकान में रहते हैं, जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं, जिनके पास अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों का क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए, उनको आइसोलेट करने के लिए, उनको अलग से सारी व्यवस्था मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के तमाम नुमाइंदे,
रात दिन मेहनत कर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में, होटल्स में, बैंक्वेट्स में, जहां बेड्स की व्यवस्था कर रहे थे निजी संस्थानों के साथ मिलकर, वही भाजपा की चुनी हुई सरकार, अभी अमित शाह जी का बड़ा जिक्र हो रहा था, विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे अमित शाह जी के आने पर दिल्ली में इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई। अमित शाह जी दिल्ली में आकर कोरोना को नियंत्रित करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन वहीं पर वो क्वारंटीन सेंटर बनाने की जगह, आइसोलेशन वार्ड्स बनाने की जगह, लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराने की जगह कोरोना जैसी महामारी के अंदर राजस्थान की सरकार तोड़ने में व्यस्त रहते हैं। उन्हें लोगों की परवाह नहीं है, उन्हें लोगों को कोरोना महामारी से आने वाली बेरोजगारी, बीमारी, लाचारी, भुखमरी की चिंता नहीं है, उन्हें अपनी सरकार बनाने की चिंता है। और एमपी में तो इन्होंने कांड कर ही दिया, जब एमपी में कांड हो गया, सरकार गिर गई, इनकी सरकार बन गई, तब जाकर इन्होंने पूरे देश के अंदर आनन फानन में लॉकडाउन कर दिया। इसी प्रकार से केजरीवाल सरकार के मॉडल के तहत कोरोना संक्रमण की जो बीमारी थी, संक्रमित जो मरीज थे, इनकी दर घटी और जीडीपी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और जीडीपी दिल्ली की बढ़ी। उधर भाजपा मॉडल के तहत, बीजेपी सरकार के मॉडल के तहत कोरोना संक्रमण की जो बीमारी है, जो मरीज है, जो संक्रमित लोग हैं, उनके तो आंकड़े हजार से पार होकर लाखों को छू गए और जीडीपी बिल्कुल -23 पर पहुंच गई। ये भाजपा का जो है मॉडल है। केजरीवाल सरकार ने जहां ऑटो चालकों को, मजदूरों के खाते में राशि डालने का काम किया, वहीं भाजपा की सरकारों ने इस अवसर को अपनी जेब भरने, अपने घर भरने, अपने खाते भरने के रूप में तब्दील किया और घोटालों को जो है अंजाम दिया। केजरीवाल सरकार के मंत्री, विधायक, तमाम पदाधिकारी जहां गलियों में, अध्यक्ष जी आप समेत भी, सैनिटाइजर करा रहे थे, जरूरतमंद लोगों को खाना दे रहे थे, दवाइयां दे रहे थे, वहीं पर भाजपा के मंत्री, सांसद, नेता रामायण देख रहे थे, लूडो देख रहे थे और सोशल मीडिया पर बहुत तस्वीरें वायरल हुई कि किस प्रकार इस कोरोना को मनोरंजन का समय बनाकर किस प्रकार से अपने और अपने परिवार का मनोरंजन भाजपा के लोग कर रहे थे। अध्यक्ष जी, बहुत देर से आपदा को अवसर में बदलने की बात साथी विधायकों के माध्यम से कही जा रही है। मोदी जी ने अपनी मन की बात में कहा आपदा को अवसर में बदलो, मोदी जी ने अपनी एक तस्वीर के माध्यम से मोर के साथ बिताते हुए समय को जनता के सामने लाया और फिर यहाँ पर ये बात नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा वो यूपी का योगी बाबा चोर ले गया। गरीबों का राशन खाना, गरीबों की स्वास्थ्य सेवाओं पर डाका डालना, गरीब लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखना, अगर किसी ने आज के समय में कर दिखाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासित केंद्र और राज्यों की सरकारों ने कर दिखाया है। योगी सरकार ने इस महामारी के अंदर ना सिर्फ अपना अमानवीय चेहरा दिखाया, ना सिर्फ अपनी आत्मा को किस प्रकार से वो मर चुकी है इसका प्रमाण दिया, बल्कि ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, थर्मामीटर समेत जितने भी जरूरतमंद चीजें थी कोरोना के समय में, एक एक चीज पर इन लोगों ने घोटाला करा। योगी सरकार यूपी के अंदर कोरोना से नहीं लड़ रही, योगी सरकार यूपी के अंदर लड़ रही है दलितों से, योगी सरकार यूपी के अंदर लड़ रही है ब्राह्मणों से, योगी सरकार यूपी के अंदर लड़ रही है महिलाओं से। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि देश आज दो मॉडल देख रहा है, एक उस राज्य का मॉडल जिसके पास आधी अधूरी शक्तियां हैं, आधी अधूरी पावर्स होने के बाद भी उस राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री अपनी जान की बाजी लगाकर, उस राज्य के चुने हुए मंत्री, विधायक अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिन रात सातों दिन 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं और अपने मॉडल को ना सिर्फ राज्यों में, ना सिर्फ देश में, बल्कि विश्व में सर्वोपरि स्थापित कर भारत माता को गौरवान्वित करते हैं, भारत देश को गौरवान्वित करते हैं। दूसरी ओर भाजपा के ये लोग
चीन के साथ समझौता कर चीन का माल खरीद कर देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश का अपमान करते हैं और देशवासियों का सर शर्मिंदगी से नीचा करते हैं। मैं आज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारा तमाम मंत्रिमंडल, तमाम विधायक गण, तमाम निजी संस्थान, तमाम हमारे जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, सिविल डिफेंस के लोग और तमाम वो कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने प्रथम श्रेणी में आकर हर एक संक्रमित व्यक्ति का इलाज किया, उसको आत्मीयता के साथ, मानवता के साथ उसमें से रिकवरी करने का उसको सहयोग करा, मैं इसके लिए तहे दिल से सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और एक बार आपने फिर साबित किया कि नीयत साफ है तो बड़ी से भी बड़ी जंग हम लोग जीत सकते हैं। ईमानदारी है और लक्ष्य अगर हमारा आप जो है बिल्कुल सटीक है तो उस पर हम अच्छी से अच्छी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आपने माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इस बात को प्रमाणित करते हुए कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही है हमारा संकल्प और यही हमारा संदेश है, इसको आपने जीवंत करा, इसको आप लोगों ने चित्रात करा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।